तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो में। तो अभी मैं फिलहाल बिलासपुर में हूँ और यहाँ पर बस स्टैंड चौक के पास एक हनुमान मंदिर है। यहाँ पे मात्र 10 रुपये में खाना खिलाया जाता है और उस खाने की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और ये चीज़ ना बिलासपुर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आज हम लोग भी ट्राई करने वाले हैं श्री राम रसोई का स्वादिष्ट भोजन मात्र 10 रुपये में थाली में। इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है देखिए, चावल, दाल, सब्जी, अचार और देख सकते हो ये किनके द्वारा चलाई जा रही है, यहाँ पे पूरा नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिलासपुर छत्तीसगढ़। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको खड़ा होकर खाना खिलाया जाएगा, ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट वाली फीलिंग दी जाएगी मात्र 10 रुपये में। स्टूल लगे हैं, टेबल लगा है, बाकायदे यहाँ पे शेड लगी है कि आपको आराम से बैठ के आपको खाना वाला फील आए। और अंकल जी यहाँ पे टोकन वगैरह निकालते हैं और उसके बाद यहाँ से आपको 10 रुपये का एक टोकन प्राप्त होगा। ये देखिए 10 रुपये का भी टोकन है, यहाँ पे 20 रुपये का भी टोकन है। 20 रुपये का टोकन आप लेंगे तो उसमें 2 लोग खा सकते हैं, 10 रुपये के टोकन में 1 आदमी खा सकता है। 20 रुपये के टोकन में हम लोग खाना डबल देते हैं। अच्छा, डबल देते हैं, बहुत से लोग 2 थाली खाते हैं। अच्छा हाँ, इसलिए 2 बार ना लेना पड़े, 20 रुपये का एक बार ले लो। 20 रुपये का एक बार में डबल थाली देते हैं और 10 रुपये में सिंगल थाली। तो यहाँ पर श्री राम रसोई 12:30 बजे से 2 से 3 बजे तक चलती है और देखिए स्टार्ट ही होने वाली है, लोग यहाँ पर टोकन लेने के लिए आ गए और जितने भी सारे लोग हैं आसपास के काफ़ी सारे यहाँ पे भोजन करते हैं। तो ये देखिए फाइनली सब्जी, किस चीज़ की सब्जी अंकल जी? आज आलू छोले। अच्छा, मतलब रोज ना रोज सब्जी चेंज होती है। हाँ। आज आलू और मटर की सब्जी है यहाँ पे, देखिए शानदार है सब्जी की, मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है क्या ही बताएं। और ये थाली रखना यहाँ चालू हो चुकी है, ये दाल है। अच्छा, इसमें दाल है, ये देखिए इसमें दाल है, ये देखिए रहर की दाल अंकल जी, रहर की दाल। और यहाँ पर प्रतिदिन एक भोग की थाली, पहली थाली भोग की जा रही है। अच्छा, मंदिर में जाती है, मंदिर में जाएगी, इसके बाद भोजन शुरू होगा, आज की सेवा प्रारंभ होगी। अच्छा, आज की सेवा प्रारंभ होगी और भीड़ भी देखिए काफी लग चुकी है वहाँ पे। ये सबसे पहले थाली जाती है भगवान जी को। तो यहाँ पर टोकर देना चालू हो गया, देखिए ये अचार भी यहाँ पे निकाल लिया गया है, अपन भी अभी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थाली लगना रेडी हो गई है और आपको क्वांटिटी ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं मतलब कि थोड़े से चावल दिए जाते हैं। ये देखिए चावल, दाल, सब्जी आ गई और वहाँ पे ना इसमें अचार को ऐड किया जाता है। ये देखिए इसमें अचार ऐड कर दिया गया और अंकल जी लोग यहाँ काफ़ी सेवा भाव से यहाँ पे खाना खिलाते हैं सभी लोगों को और यहाँ पे लोग आराम से कुर्सी में बैठ के भोजन करते हैं। ये देखिए नंबर लग चुका है भाई साहब और यहाँ पर लाइन लगी, ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है यहाँ पर। तो अभी कुछ देर में मैं भी यही भोजन करूंगा और देखने में काफ़ी अच्छा है भाई, भरपेट। यहाँ पर भाई ये प्लेट साफ कर रहे हैं और यहाँ पर भाई ये चावल दे रहे हैं और इस साइड में दाल और सब्जी डाल रहे हैं भाई साहब। अरे वाह, शाबाश। आप लोग भी अगर बिलासपुर से या फिर कभी बिलासपुर आते हो तो यहाँ श्री राम रसोई का खाना एक बार 10 रुपये में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जो लोग बिलासपुर से हैं ना कमेंट करके बताइएगा क्या आपने यहाँ का खाना खाया है। अंकल जी आप बता सकते हैं खाने की क्वालिटी कैसा है? बढ़िया। कब से खा रहे हैं आप यहाँ पे? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से कंटिन्यू? हाँ। मतलब ये सबसे बेस्ट है, 10 रुपये मतलब 10 रुपये में और कुछ थोड़ी मिलता है? नहीं मिलता है। ये बताइए पूरा थाली भरपेट खाना मिल जा रहा है 10 रुपये में? 10 रुपये सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर देखिए खा रहे हैं सब लोग। तो फाइनली मैं भी लाइन में लग चुका हूँ अभी और नंबर में लगे हैं, खा लेते हैं खाना। और ये रहा मंदिर, देख सकते हैं आप लोग, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर राजा कॉटन हाउस। ये देख सकते हैं ये मंदिर आपको पड़ता है पुराना बस स्टैंड चौक है ना, यहाँ पर जस्ट ये लेफ्ट साइड में मंदिर है और उसके जस्ट बगल में यहाँ पर श्री राम रसोई चलाई जाती है। ये देखिए लंबी लाइन लगी है, चलते हैं। खा लो खाना, खा लो भैया खाना, खा लो, खा लिए खाना, आ जाओ लाइन में लग जाओ, फिर लाइन में लग जाओ, आप लोग भी लाइन में लगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगे रहिए, 10-10 रुपये चिल्ला ले लीजिएगा अपना। तो ये अंकल जी काफ़ी ज़्यादा बिजी यहाँ पे। और ये आप मतलब कितने महीने से संचालित है ये काम? ये भैया 8 महीने संचालित है। 8 महीने मकर संक्रांति के दिन चालू हुआ था। अच्छा, मतलब 14 जनवरी को चालू हुआ था, मकर संक्रांति के दिन अभी तक देखिए कंटिन्यू है और आज तक है, होली वाले रंग खेलने वाले दिन भी चला है। अच्छा, मतलब ये हफ्ते में बंद नहीं होता, मतलब कंटिन्यू चालू है? हाँ, एक भी दिन बंद नहीं हुआ, जिस दिन चालू हुआ उसी से। ठीक है लीजिए, मैं भी एक टोकन ले लेता हूँ 10 वाला।
ये टोकन आया, यहाँ बगल में दे देते हैं, टोकन जमा किए, हाँ टोकन जमा किए और खाली खाना लिए, खाली खाना ले लेंगे। कम चाल वाला कौन है? ये मैं हूँ, ये चार आ गया फाइनली अपना चैनल से आप। तो ये देखिए मैंने चावल कम लिए हैं, ये अचार ले लिया और ये आ गई अपनी फाइनली सब्जी। चावल भी ऐसे नहीं कि मोटे वाले यूज़ करते हैं। चलिए इसे खा लेते हैं एक बार। ऐसे सोच रहे हो कि 10 रुपये में आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, टेस्ट मिलेगा सीधा सीधा जैसे आपको होटलों और रेस्टोरेंट वगैरह मिलता है। टेस्ट शानदार है भाई। तो भाई साहब मैंने तो खाना खा लिया और मेरा पेट भर गया, और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे लाइन लगाते हैं, तकरीबन यहाँ पे 250 से 300 लोगों को खाना खिलाया जाता है पर डे। और यहाँ की सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे आपको अपनी प्लेट खुद धोनी पड़ेगी। मैंने तो खाना भी खा लिया, हाथ वगैरह सारा कुछ धो लिया। ये देखिए यहाँ पे आपको अपनी प्लेट खुद धोनी पड़ेगी, ये देख सकते हैं आप लोग। और वहाँ पे भाई टेम्पो में बैठा है उस तरफ देता जाएगा, और यहाँ पे आप प्लेट अपनी साफ खुद कर सकते हो। ऐसा नहीं यहाँ पे कोई आता है कोई नहीं आता, यहाँ पे मेल फीमेल सारे लोग आते हैं। ये देखिए छोटे से लेकर बड़े तक भैया लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है अब तो, 3 घंटे 2.5 घंटे का यहाँ पे प्रोग्राम चलता है। तो आपको ना मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो और ये वीडियो पहली बार मिली है, तो आई होप मेरे को तो ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, आई होप आपको ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा मजा आई होगी। अगर आप लोग बिलासपुर से हैं तो प्लीज़ यहाँ पे एक बार ट्राई जरूर करिएगा, या फिर आना चाहते हैं तो ये भी आपको टाइमिंग यहाँ पे बता देता हूँ। लोकेशन मैंने बता दी है, 12 बजे से 3 बजे के आसपास यहाँ पे पर डे 300-400 लोगों को खाना खिलाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ, देखता हूँ, ढूंढता हूँ कहीं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और दिखाता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।